तो जनाब ये है बहुत ही लजीज दिखने वाला चिकन कोरमा, और ये है उसके साथ मटन हांडी कोरमा, और ये है बिरयानी चिकन की। ऐसे ही मजेदार खाने की तलाश में निकल पड़ी हूँ मैं आपको लेके आज, और हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा का ये जो ब्रिज बना हुआ है ना फ्लाईओवर, ये बहुत ही इसने ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ही सॉल्व कर दिया है। लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्रैफिक कैमराज लगे हुए हैं, तो अपना चालान कट सकता है। ये इस्कॉन टेम्पल है साइड में, यहाँ का भी जो खाना है बहुत बढ़िया होता है, कभी मैं आपको यहाँ का भी खाना दिखाऊंगी। तो जनाब अगर आप बढ़िया मज़ेदार खाने के शौकीन हैं, ऐसे ही चटपटे खाने के शौकीन हैं, तो गाड़ी को लगाइए ब्रेक। कहाँ पर? नोएडा के ब्रह्मपुत्रा मार्केट में। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो बोटैनिकल गार्डन और सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। शाम हो गई है और मेरा कुछ जबरदस्त सा खाने का मन कर रहा है चटपटा। मैं सोच रही हूँ कि चाट खाऊं, गोल गप्पे खाऊं, रोल खाऊं, या ये कबाब खाऊं। अगर आप भी ऐसे ही दुविधा में हो कभी, तो सीधे पहुँचिए यहाँ ब्रह्मपुत्रा मार्केट, नोएडा सेक्टर 29 में। ब्रह्मपुत्रा मार्केट जो है वो खाने का, स्ट्रीट फूड का पूरा हब है। यहाँ आपको बहुत ढेर सारी शॉप्स मिलेंगी, इतना बढ़िया यहाँ पर सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। शाम होते यहाँ पर रौनक लग जाती है 5-6 बजे के बाद, और लोग जगह जगह से यहाँ पर खाने आते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं। पार्किंग की भी सुविधा है, दोनों साइड पार्किंग है, तो आप आराम से पार्क कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सैर पे ब्रह्मपुत्रा मार्केट में, देखें यहाँ खाने के क्या क्या ऑप्शन हैं। सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल ही बदल जाता है और बहुत चहल पहल हो जाती है, क्योंकि यहाँ खाने वालों का तांता लग जाता है। As they say, size doesn't matter. So, इस छोटी सी पटरी पे लगने वाली मार्केट में 40 कदम चल के आपको यम्मी स्ट्रीट फूड की इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि काठी रोल, मोमो, चिकन बिरयानी, करीज, कबाब, शवामा, गोल गप्पे, चाट, सूप, जूसेस, तंदूरी चाय, ढाबा फूड, साउथ इंडियन फूड, कुल्फी, आइसक्रीम, पान, जो आपका जी चाहे आप यहाँ पे खा सकते हैं। सभी आइटम्स का प्राइस मोस्टली 100 रुपीज से नीचे ही मिलेगा आपको। ये क्या भैया? चिकन कोरमा। फिर ये है मटन हांडी कोरमा, ये चिकन बिरयानी है, राइट? पूरी आइटम्स की भी बहुत वैरायटी है, और ये है जी राम लड्डू। तो ऐसा मत सोचो कि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन ये है यहाँ पे। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी यहाँ पर अच्छा सा ऑप्शन है, सोया चाप का देखिए, बहुत ही बढ़िया से मैरिनेट करके रखे हुए हैं, और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है सोया चाप की। बना ये लखनऊ का जायका है, यहाँ सब कुछ शुद्ध शाकाहारी है। ये किस चीज के कबाब है भैया? सोया दाल कच्चा केला। सोया दाल और कच्चा केला, वाह। पूरी पीपी मार्केट में ये कटाकट की आप जो आवाज है ना, आपको परपेचुअली सुनाई देती रहेगी। ये मेयो है? बीपी में शवारमा के बहुत से वेंडर्स हैं, हमने सबसे पहले ट्राई किया बल्ले बल्ले शॉप पे शवारमा। तो सबसे
पहली चीज जो मुझे टेस्ट करी है वो है शवारमा। शवारमा के साथ ये सर्व करते हैं मेयो और हरी चटनी। चिकन इज वेरी वेल फ्लेवर्ड स्पाइस एंड दिस मेयो इज ऑसम। नितिन घईज भी, उनका भी शवारमा रेडी हो रहा है। बल्ले बल्ले के बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मैं रोज चिकन खाता हूँ और मेरा वजन कम नहीं हो पा रहा। वो तो कैसे वेट रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पे आके मेरा वेट वहीं का वहीं हो जाता है क्योंकि आप लंच आ जाते हो। बेस्ट चिकन टिक्का हो गया आपका, तंदूरी चिकन हो गया, ये शवारमा हो गया, बेस्ट एवरीथिंग इज ऑसम। तो करिए टेस्ट और हमें बताइए खा के एक बाइट। ऑसम। तो आपने और भी कई शवारमा ट्राई किया है यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ पे और कहीं ट्राई करना बेकार है। नहीं आपने वैसे किया है? आप नाले के पास में करेंगे, वहाँ बड़े बड़े चूहे हैं और आपके हेल्थ हैजर्ड्स हैं। तो आपने यहाँ मिले आपको क्या, इसका क्या बेटर लगा बाकी? सब कुछ है आपके पास में, फुल रेंज है, चाइनीज से लेके सोबा से लेके तंदूरी चिकन सब कुछ है। मैं पूछूं इनके शवारमा में क्या आपको क्या अच्छा लगा? आप पंजाबी हैं तो बल्ले बल्ले जरूर करेंगे, बल्ले बल्ले आके गारंटी। वाह वाह वाह, वेरी वेल। तो यहाँ बादाम मिल्क का भी ठेला लग रखा है और लेकिन मैं आपको अब लेके जा रही हूँ अपने फेवरेट गोलगप्पा स्पॉट पे। यहाँ एक केमिस्ट की शॉप है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये प्रमोद चाट भंडार वाले हैं। ये इनका जो गोलगप्पे हैं ये आपको बीपी में सबसे बेस्ट मिलेंगे। ये टिक्की का मसाला बन रहा है यहाँ पर, आलू की टिक्की इनकी। गोलगप्पे के अलावा इनकी आलू की चाट और जो ये आलू की टिक्की है ये भी बहुत ही ऑसम होती है। अभी मैं खाने वाली हूँ यहाँ इनके पास गोलगप्पे, इनकी बहुत तारीफ सुनी। इनके पास आटे के है, सूजी के है, चटनी है, हरी चटनी है, मिर्ची वाली चटनी है, मीठी चटनी है और ये है इनका पानी। वाह वाह, ये पुदीने धनिया वाला पानी है जी, जी। आ जाओ इधर पास। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत भीड़ लग रखी है, वीडियो देख के सब छुप गए पीछे को। आ जाओ पास, कुछ नहीं होता, आ जाओ। पहले खाते हो आप यहाँ? नहीं मैं पहली बार खाते। आप खाते हो, अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं आपको। क्या मीठे वाला चाहिए आपको? नहीं मीठा वाला नहीं चाहिए। नहीं खट्टे वाला, खट्टे वाला आपको भैया? आटे का मीठा। बड़ा मस्त पानी है भाई इनका, बहुत ही मस्त। आपका गोलगप्पा बहुत क्रिस्प है आटे का, मुझे आटे का ये अच्छा लगता है, सूजी का नहीं अच्छा लगता। सभी खट्टा पानी खा रहे हो? सभी खट्टा पानी, तो सभी को पॉपुलर चॉइसेस खट्टा पानी। चने इसमें आलू हैं और ग्रीन कलर का धनिया पुदीने का पानी है। तो अब हम आए हैं अंकल चिकन, अंकल शवारमा सॉरी। तो ये मेरे बेटे का फेवरेट है तो उसने बोला कि आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए, तो इनका भी शवारमा ट्राई करते हैं जी। जी भैया एक बनाना शवारमा जी। जी ये मोटी रोटी में खाएंगे पतली में? इनके पास दो रोटी की चॉइस है जी, एक तो ये पतली वाली है और एक ये है ऐसे देखिए इस तरह से खबूश रोटी। खबूज 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 ओके खबूज। तो ये खबूज रोटी है, तो हम खबूज रोटी वाला शवारमा ट्राई करेंगे। तो ये हैं वली जी, क्या बोलूं? एक्चुअली मैंने दिल्ली में बहुत जगह शवारमा खाया है लेकिन जो टेस्ट मुझे रियल टेस्ट यहाँ पर मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। क्या क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये होता है कि इनका जो चिकन होता है ना एक्चुअली एक तो फ्रेश होता है, हाइजेनिक होता है, फ्रेश चिकन होता है इनका। और दूसरा ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें स्पाइसी चाहिए, नॉर्मल चाहिए,
जिस तरह का हम बोलेंगे वो बना देते हैं ये लोग, ठीक है ना। अच्छा नॉर्मल, अच्छा स्लाइस करके भी डालते हैं? स्लाइस करके भी डालते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से डालते हैं। और इनकी जो प्रिपरेशन है बहुत साफ सफाई से बनाते हैं एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहा हूँ, खाता हूँ इनको, मेरे दोस्त भी आते हैं यहाँ पर एक्चुअली। हाँ बहुत पहले से, इनका बहुत पुराना है ये, 13 साल पुराना, 13-14 साल। हाँ इस मार्केट में ये सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर। हाँ मैं जब से आता हूँ, जब से यहाँ पर शॉर्ट में एक भी दुकान नहीं होती थी, और ये एक ही दुकान होती है, अंकल की दुकान हुआ थी यहाँ पर। तो इनका भी शवरमा टेस्ट करते हैं। देखिए ये रोटी जो है ये थोड़ी मोटी है इनकी जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, खबूज, ओके तो इसको खबूज रोटी बोलते हैं। तो आई होप सो इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। मेयोनीज लगाइए, हरी चटनी, मेयोनीज और हरी चटनी सब जगह कॉमन है। तो खबूज रोटी के साथ शवरमा, बहुत गर्म है, इतना गर्म चिकन था, गॉड बहुत, इसने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, माइल्ड स्पाइसेस हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, रोटी भी जो इस पर टेस्ट और फील बिल्कुल डिफरेंट है, हाईली रिकमेंडेड। हम अब पीने जा रहे हैं तंदूरी चाय, इसको पहले अच्छे से गरम कर रहे हैं, ये जो ऐसे मिट्टी के कटोरे हैं उनको। तो चाय इन्होंने ऑलरेडी बना के रखी होती है, ये जो गरम करते हैं ना कटोरे, इससे सिर्फ उसमें मिट्टी का फ्लेवर चलता है। ये मिट्टी का सकोरा इतना गर्म है कि जब इन्होंने ये बार बार, देखिए इसको बार बार चाय इसमें डाली तो ये बार बार उबले जा रही थी। तो तंदूरी चाय गर्मा गर्म हो गई है रेडी। इस स्टॉल के ऊपर इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी इस चाय की, और मैं बहुत बेताब हूँ इसको ट्राई करने के लिए। तो तंदूरी चाय जो इतना खाया पिया उसको पचाने के लिए बहुत गर्म है, और ये चाटी आपने देखा था बिल्कुल, उसने जब उसको तंदूरी चाय बनाई थी तो दूसरे बर्तन में डाला था जो लाल था बिल्कुल, और उसके बाद इसको चाय बना के इसमें डाल दिया। मीठी बहुत है पर बढ़िया, क्योंकि मैं शुगर नहीं लेती। बड़ा अच्छा टेस्ट है, बड़ी आई मीन रिफ्रेशिंग चाय है, और इतना कुछ खाने के बाद यहाँ पर ये पीनी तो बनती ही है भाई। इलायची का फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें, और गाढ़ी लग रही है, मुझे लगता है थोड़ी क्रीम भी डाली है इन्होंने, अमूल क्रीम, पर बहुत टेस्टी है, बहुत इलायची का फ्लेवर है और दालचीनी का भी है थोड़ा सा इसमें। और सबसे बढ़िया जो इसका फ्लेवर है वो है इसका ये मिट्टी का फ्लेवर, जो मिट्टी है ना इसके जिसमें डाला है इन्होंने, वो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा आप यहाँ पर आके कुछ कपड़े, और जैसे नॉर्मल मार्केट लगती है, हेयर एक्सेसरीज हैं, कान के हैं, मफलर्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, टोपियाँ, जुराबे, कुछ भी आप खरीद सकते हो यहाँ आके। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, तो वो भी देखना मत भूलें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ऐसी ही वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।